है। श्रीकरणपुर में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रीगंगानगर जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। मतदाता सूची को अपडेट और संशोधित कर तैयार किया गया है। लोकसभा चुनावों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो श्रीकरणपुर वो सीट जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव नहीं हुए थे, 200 में से 199 सीटों पर ही वोट डाले गए थे और श्रीकरणपुर पर भी 5 जनवरी को वोटिंग की जानी है, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 5 जनवरी को यहां पर लोग अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। तो गुरदीप सिंह कुन्नर के बाद ये सीट खाली था और यहाँ पर वो कांग्रेस के कैंडिडेट जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सके थे और अब 5 जनवरी को यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसे लेकर चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है और इसके साथ ही साथ लगातार इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जो एक करणपुर 03 विधानसभा का चुनाव स्थगित हो गया था 15 नवम्बर को, आरओ द्वारा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्थगित किया गया था। धारा 52(1) में कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट गुरमीत सिंह कुन्नर जी की डेथ की वजह से अब उसको, उस स्थगित चुनाव को दोबारा से किया जाएगा और उसमें जो पुराने पार्टीज के कैंडिडेट थे वो वही रहेंगे। केवल 12 तारीख से नोटिफिकेशन जारी होगा, 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन भरने की और 20 तारीख को समीक्षा की जाएगी, 22 तारीख तक विड्रॉ कर सकते हैं। मतदान 5 तारीख को होगा और 8 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी